मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतूभाई वाधवानी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद भाई भूपेंद्र यादव जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल, गुजरात से ही केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनसुख भाई मांडविया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेंद्र भाई पटेल, मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान आई के जाडेजा जी, राज्य सरकार में कृषि मंत्री श्री आर सी फलदू जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, कौशिक भाई पटेल जी, प्रदीप सिंह जी जाडेजा जी, कर्णावती महानगर की प्रथम नागरिक श्रीमती बीजलबेन पटेल, और आज जिनकी तपोवंदना के लिए हम सब यहां एकत्रित आए हैं, ऐसे आपातकाल में संघर्ष करने वाले लोकतंत्र के प्रहरी ऐसे सभी भाइयों बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आमतौर पर इतिहास के जो काले अध्याय होते हैं उसको भुलाना उचित होता है, और आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय है, देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। मगर मैं चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये दिन मनाने के लिए इसलिए निर्णय किया है कि ये दिन को देश की जनता कभी न भूले, बार बार उसका पुनर्स्मरण कर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करे कि कभी कोई आपातकाल लगाने की हिम्मत इस देश में कर ना पाए। जिस तरह से देश के महापुरुषों के जन्मदिन, उनके स्मृति दिन, उनके कर्तृत्व की, उनके काम की, उनके विचारों की महानता की स्मृति दिलाते हैं, ठीक उसी तरह से ये आपातकाल का दिन भी 26 जून देश के 1.5 लाख से ज्यादा लोकतंत्र के प्रहरियों ने अपने जीवन के स्वर्णिम 19 महीने जेल में बिताए इसकी स्मृति दिलाकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि देश भर में आज किसी न किसी स्वरूप में कार्यक्रम कर आपातकाल की याद विशेषकर नई पीढ़ी को, मेरे जैसे लोगों को पर भी, क्योंकि जब आपातकाल आया था मेरी आयु 11 साल की थी, हमने वो प्रताड़नाएं नहीं झेली, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमने देखा भी नहीं है वो समय, ना समझ थी ना उम्र थी, परंतु पुरखों से जो सुना है, जिन्होंने वो वेदना को सहन किया, उनसे समझा है, इतिहास को पढ़ा है, ये पढ़कर भी वो समय की याद आती है तो कम कमी आ जाती है। इस प्रकार का एक कालखंड इस देश के लोकतंत्र पर एक वज्राघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने। मित्रों, आपातकाल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। आपातकाल एक लोकतंत्र को बचाने के सत्याग्रह के रूप में भी याद किया जाता, एक लोकतंत्र को दबाने की, खत्म करने की मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष के रूप में भी याद किया जाता है, और आपातकाल प्रचार माध्यमों को सरकारी गिरफ्त से मुक्त कराने के आंदोलन के बारे में भी याद किया जाता है। मैं इतना ही कहता हूं कि भारत में लोकतंत्र की
पैठ इतनी गहरी बनी है, एक तो क्या 100 इंदिरा जी भी उस वक्त आ जाती तो देश में से लोकतंत्र हटाना नामुमकिन था। इस प्रकार का संघर्ष मिसावासियों ने किया। मित्रों, जब आपातकाल की बात होती है, आज जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं उनको अपने ही पुरखों के कामों की याद नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाला जरा करने वाले जरा पीछे मुड़ कर देख ले, जब उनके पुरखे राज करते थे, जब इनकी पार्टी का शासन था, तब किस तरह से अखबारों का गला बंद किया गया था, आकाशवाणी को किस तरह से कांग्रेस वाणी बना दिया गया था, किस प्रकार से दूरदर्शन पर एक प्रकार से धीरे लिखी गई थी, यहां तक कि किशोर कुमार के गाए हुए गाने भी किसी को सुनने होते थे तो महिला आवाज में आते थे, किशोर कुमार की आवाज में नहीं आते थे, क्योंकि इन्होंने संजय गांधी की दादागिरी को स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे और ताने किन पर कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में थी और सबसे ज्यादा सितम अगर किसी पर ढाया गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और सितम ढाए गए। सबसे बड़ा संघर्ष अगर किसी ने किया इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ के रूप में काम करती थी उन्होंने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं। जब तक आपातकाल को उठा नहीं लिया गया, हर रोज कोई न कोई किशोर युवा संसद, कोई किशोर युवा कार्यकर्ता इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए चले जाते। 156,000 जो मिसावासी जेल में पूरा समय रहे उसमें से 95,000 भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। यही बताता है कि कितना बड़ा संघर्ष हमारे विचार परिवार ने उस वक्त किया। और आज जब अभिव्यक्ति की आजादी के ताने लगाते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जरा पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देख लीजिए। आज का दिन एक और तो वो संघर्ष को याद कराकर नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का दिन है। आज का दिन वो संघर्ष और जो पराजय हुआ था सामंतशाही मानसिकता का, वो पराजय को याद कराकर आगे कोई ऐसी गलती न करे ऐसा सबक याद दिलाने की जरूरत है। तो आज का दिन जिन्होंने उस वक्त अपने जीवन के उत्कृष्ट समय को जेल की दीवारों के बीच में 19 महीने तक रहकर लोकतंत्र को बचाया था, उन सभी को आज उनके काम को कार्यांजलि देने का भी दिन है। उनको स्मरण करके लोकतंत्र के वो प्रहरियों को समाज जीवन के सामने लाने का भी दिन है। मित्रों, कई लोगों के अवसान हुए थे और आज जब आपातकाल विरोधी दिन मनाया जाता है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आपातकाल किस प्रकार से आया इसकी हमें थोड़ी मीमांसा, थोड़ा विचार आज के दिन जरूर करना चाहिए। देश के अंदर लोकतंत्र कोई नई बात नहीं थी। पश्चिम के इतिहासकार भले कहे कि यहां पहले लोकशाही हुई, लोकतंत्र हुआ, वहां लोकतंत्र हुआ, जिनका भारतीय इतिहास का अध्ययन है उनको मालूम है कि द्वारिका में भी गणतंत्र था और मगध का साम्राज्य थे था तब भी देश में 9 जगह पर गणतंत्र इस देश के अंदर चलता था। सबसे पुराने गणतंत्र को बनाने का गौरव दुनिया में अगर किसी देश को प्राप्त है तो वो भारत को प्राप्त है, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को प्राप्त है। इसलिए लोकतंत्र की जड़ी इस देश में बहुत गहरी पैठ बनाई और इसको हिलाने का सबसे पहला प्रयास श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन की परछाई में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन हुआ, शासन चला,
इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद धीरे 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 इनकी कार्यशैली और उनके विचारों के खिलाफ एक जनमत बनता गया और जनमत बनने के बाद संयुक्त सरकार अस्तित्व में आई। वहीं से इमरजेंसी डालने का, आपातकाल डालने का एक बीज इनके मन में के अंदर अंकुरित हुआ। और जब संयुक्त सरकारें आई तो 356 का उपयोग कर संयुक्त सरकारों को गिराने की शुरुआत भी इंदिरा गांधी के समय में ही हुई। चुनी हुई सरकारों को गिराने का सिलसिला हुआ। उस वक्त चाटुकार और चापलूसों का बोलबाला बढ़ा, मुद्रास्फीति 20% से आगे निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टेटमेंट कर दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वहां तक चाटुकारों का एक हिम्मत बढ़ गई। उनकी गाड़ी के नीचे एक 9 साल के बच्चे को कुचल दिया गया। किसी अखबार ने इसका उल्लेख मात्र नहीं किया। जब जनसत्ता ने हिम्मत करी, पूरे देश के अंदर सनसनी फैलकर बड़ा एक विरोध का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया। और इतने में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और इंदिरा जी के चुनाव को सेटिस्फाइड करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा दिन आया जब चुने हुए प्रधानमंत्री संसद में बैठ तो सकते थे मगर संसद के अंदर वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उनके विरोध की शुरुआत ललित नारायण मिश्र की हत्या से ही शुरू हो गई। परंतु जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तब स्थिति हाथ में नहीं थी और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इमरजेंसी डालने का फैसला कर दिया, आपातकाल डालने का फैसला किया और आपातकाल के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को के गले को घोंटने की शुरुआत की। कई बार वो अध्यादेश की बात होती है, वो परिस्थितियों की भी बात होती है कि किन परिस्थितियों में वो अध्यादेश आया या लाया गया। बंगाल के मुख्यमंत्री का भी नाम उसमें लेते हैं मगर मैं आज भी मानता हूं मित्रों कि परिस्थिति और अध्यादेशों से कभी आपातकाल नहीं आता, इमरजेंसी नहीं आती। वो नेता की मानसिकता से इमरजेंसी आती है। अध्यादेश तो उसका एक फौरी अमली जामा पहनाने का काम। जो लोकतंत्र में नहीं मानते हैं वो ही इमरजेंसी के बारे में सोच सकते। सरकारें हमारी भी बनी है, हमारी भी गरीब है। एक वोट से हमने संसद के अंदर अपनी सरकार गवाई, 13 दिन में हमारी सरकार गवाई है। कभी हमने इमरजेंसी की सोच नहीं लाई और इमरजेंसी ऐसे ही नहीं आ जाती है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र के अंदर 3 बुराइयों को प्रविष्ट करने का काम किया। सबसे पहले कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव एक फौरी फॉर्मेलिटी बनकर रह गए। आंतरिक लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त समाप्त कर दिया 65 के बाद, उसी वक्त इमरजेंसी का मूल विचार आकार लेना शुरू हो गया। उसके बाद परिवारवाद बढ़ाया, परिवारवाद बढ़ाने के बाद जातिवाद के जहर को घोला गया और जातिवाद के जहर को घोलने के बाद तुष्टीकरण और एपीसमेंट के जहर को भी घोलने का काम किया। ये 3 नासूर परिवारवाद, जातिवाद और एपीसमेंट, ये 3 नासूर ने हमारे लोकतंत्र की गहराई को खोखला करने की शुरुआत कर दी थी। और तीनों नासूर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब सत्ता संभाली उसके बाद शुरू हुआ। और उसके बाद जब उनके खिलाफ एक कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने इससे बचने के लिए आपातकाल लगाने की रातों रात घोषणा कर दी। सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाया गया, इसके अप्रूवल हुआ और तड़के सुबह 6 बजे से ही 20,000 लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। अटल जी अडवाणी जी भी पहली ही किस्त में गिरफ्तार होने वाले नेताओं में से एक। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण,
सारे समाजवादी पूरी सत्ता कांग्रेस पूरा जनसंघ कई प्रकार के आर्य समाज भी इसके अंदर आए, अकाली दल भी इसके अंदर आए, भारत सेवा संघ भी इसके अंदर आए, कई प्रकार के संगठन जो समाज के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे थे उनको गिरफ्त में लेने का काम इमरजेंसी के दौरान किया गया। और एक ऐसे दौर की शुरुआत शुरू हुई जिसके अंदर ना तो अखबारों की स्वतंत्रता थी, ना वाणी स्वतंत्रता थी, संसद मखोल बनकर रह गई, अन्य पार्टियों के लिए राजनीतिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई, देश भर से चुन चुन कर सारे लोकप्रिय नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम कर दिया गया, गलत प्रकार के मुकदमे बनाकर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को देशद्रोही कलम के धारा के अंदर, देशद्रोही धारा के अंदर भी जेल में डालने का काम किया गया। ढेर सारी योजनाएं एक के बाद एक अर्थतंत्र की नींव हिलाने की शुरुआत हो गई। मित्रों, परिणाम आया कि पूरे देश के अंदर एक भय का माहौल, पूरे देश के अंदर एक विचार चलता था कि ये देश आगे कैसे चलेगा। 1,40,000 लोग बिना किसी कानून के, बिना किसी बेल के प्रोविजन के, उनकी जमानत नहीं हो सकती। शादी में भी जाना था तो जब जमानत देते हुए डरते थे, क्योंकि उसी वक्त इंदिरा जी ने कमिटेड जुडिशियरी का एक प्रयोग देश के अंदर शुरू कर दिया। 3 जजों को बाईपास कर मिस्टर रे को जज बनाया, उसमें से 2 तो गुजरात के ही सुप्रीम कोर्ट के थे। कमिटेड जुडिशियरी का संदेश जाते ही देश भर की हाईकोर्टों के अंदर, देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले प्रभावित होना शुरू हो गए। और इसके कारण कई सारे संगठन संघर्ष करने के लिए आए। मुझे कहते हुए गौरव है, मैं आज जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं उसका ही उस वक्त का एक स्वरूप भारतीय जनसंघ, संघर्ष करने वाले सभी संगठनों में सबसे आगे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता संगठन। और जब संघर्ष शुरू हुआ तब इंदिरा जी को ऐसा लगता था कि 1,40,000 नेताओं को हमने जेल में डाल दिया, संघर्ष कौन करेगा, कौन उनके खिलाफ बोलेगा। मगर उनको इस देश की फितरत मालूम नहीं, बच्चा इसके खिलाफ चल पड़ा। हर जगह पे पर्चे छपने लगे, हर जगह से गुमनाम अखबार छपने लगे, हर जगह घर में आश्रय लेना शुरू हो गया और एक बहुत बड़ी फौज भूगर्भ के अंदर रहकर काम करने वालों की शुरू। नरेंद्र भाई का पुस्तक जिसने पढ़ा होगा उसको गुजरात की उस वक्त की गतिविधियों का बहुत बहुत सारा इतिहास मालूम पड़ेगा। परंतु मैं फिर भी कहना चाहता हूं, गुजरात ने आपातकाल को इतना नहीं झेला है क्योंकि उस वक्त यहां पर विपक्ष की सरकार थोड़े समय के लिए थी। तब तक आपातकाल की कठिनाइयों को हम गुजरात वालों ने नहीं झेला है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों के अंदर बड़ी कठोरता के साथ विपक्ष की पार्टियों को और प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर देने का काम किया गया। और मित्रों, वो संघर्ष को ढेर सारे लोगों ने उठाने का काम किया, ढेर सारे लोगों ने इसके लिए लड़ने का काम। और जब आज कांग्रेस न्यायतंत्र की स्वतंत्रता की दुहाई देती है तब मुझे हंसी आती है। इस देश में कमिटेड जुडिशियरी का सिद्धांत अगर किसी ने भी प्रस्तावित करने का प्रयास किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी शुरुआत की और आज भी उनकी आदत नहीं गई है। एक जजमेंट उनके पक्ष में आता है तो जुडिशियरी अच्छी है। कर्नाटक के मध्य परीक्षण का जजमेंट उनके पक्ष में आता है तो न्यायतंत्र बड़ा महान हो जाता है, और एक जजमेंट विपक्ष में आता है तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाने से वो डरते नहीं है, झिझकते नहीं। सत्ता में थे तो सत्ता का उपयोग कर कमिटेड जुडिशियरी के लिए कांग्रेस काम करती थी, और अब जब विपक्ष में है
तो इम्पीचमेंट के हथियार के माध्यम से कमिटेड जुडिशियल की दिशा में कांग्रेस पार्टी जा रही है और वही कांग्रेस पार्टी न्यायतंत्र की दुहाई दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई दे रही है। मैं प्रेस के मित्रों को भी याद कराना चाहता हूं, आप लोग तंत्री विवेक रख नहीं सकते थे, विरोध में कुछ लिख नहीं सकते थे, मगर बहुत सारे लोगों ने विरोध करने का नया तरीका ढूंढा था, एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ देते थे कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो भी एक संघर्ष का प्रकार था। कायदे की गिरफ्त में तो नहीं आते थे मगर इमरजेंसी का विरोध जरूर करते थे। वो दिन प्रेस के मित्रों के पुराने लोग यहाँ बैठे, विष्णु भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबको याद होंगे कि किस प्रकार से एक भय आतंक टेरर का माहौल मीडिया के अंदर खड़ा करने का काम किया गया। और मित्रों, इसके खिलाफ संघर्ष करने की शुरुआत जनसंघ के कार्यकर्ताओं को की थी, ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप करते हैं, कांग्रेस पार्टी ही लगाती है, कांग्रेस के अध्यक्ष ही लगाते हैं कि हमने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर दिया। नए आरोप से सहमत नहीं, परंतु राहुल गांधी जी ने अपने पूर्वों का इतिहास देखना चाहिए, खोखला करने का आपका आरोप तो निरर्थक है, मगर आपने तो संवैधानिक संस्थाओं पर बुलडोजर घुमाने का काम करकर सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी, धारा 356 का सबसे ज्यादा उपयोग किस पार्टी ने किया आजादी के बाद, 120 बार धारा 370 का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है और उसमें भी सबसे ज्यादा श्रीमती इंदिरा गांधी ने उपयोग, चुनी हुई 14-14, 15-15 सरकार एक साथ उखाड़ करते हैं, एक साथ उखाड़ करते हैं। मगर उस वक्त देश के सामने जो संघर्ष करने वाले थे उनकी आलोचना होती थी और आज जब वही कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की बात करती है तो मैं उनको ये मंच से सलाह देना चाहता हूं कि 26 जून का दिन और उसका इतिहास आज के कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ना चाहिए तो शायद वो कभी भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं कर सकते, मजबूत न्यायतंत्र की बात नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात नहीं। कितने प्रकार के सितम ढाए गए, ढेर सारे इसके उदाहरण, मैं इसके डिटेल में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है वो ही फोरम के सामने मैं बोल रहा हूं, मगर इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद जब चुनाव आया, जेपी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एकत्रित हुई, कोई अधिकृत मर्जर उस वक्त नहीं हुआ, अलग अलग पार्टियों ने चुनाव चिन्ह पर लड़ना शुरू किया, ना पैसा था ना अखबारों का साथ था, कुछ नहीं था, 19-19 महीना जेल में लेकर आए थे, संगठन तितर बितर था, संगठन के कई मोवी वो गवाह बैठे थे, जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, जनसंघ में भी गजेंद्र गढ़कर जी की मृत्यु इमरजेंसी के दौरान ही हुई, कई सारे देश के नेता तितर बितर पड़े थे, हौसला गवाह बैठे थे। और उस वक्त मैंने चंद्रशेखर जी के मुंह से सुना है, उस वक्त एक मीटिंग दिल्ली में हुई और जेपी ने कहा कि मैं पटने से दिल्ली ट्रेन में आया हूं, मैं लोगों की आंखों में चमक देख रहा हूं, परिवर्तन देख रहा हूं, क्यों न रामलीला मैदान में एक रैली की जाए, रैली का मैदान को काट कर बीच में स्टेज बनाने का विचार आया, बाद में पूरा मैदान ही भर जाएगा, ऐसा एक हौसला बढ़ाया गया और जब रैली हुई और लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ जनता उमड़ पड़ी, तब जेपी के नेतृत्व के अंदर एक लोकतंत्र को बचाने का पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन की शुरुआत हुई और सब जेपी के नेतृत्व में एकत्रित आकर चुनाव लड़े, भारतीय जनसंघ भी उस वक्त चुनाव लड़ा और चक्रधारी हलधर के निशान पर वो लड़ा गया चुनाव
आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत स्वर्णिम अध्याय के रूप में अनेक सालों तक लगा लिखा जाएगा। ढेर सारे राज्य ऐसे निकले जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, इंदिरा गांधी और संजय गांधी स्वयं चुनाव हार गए। इस प्रकार का परिणाम आया और देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार, और वो जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को जिस प्रकार से तोड़ा गया, संविधान के कुल 41 आर्टिकलों के अंदर परिवर्तन किया गया, 11 नए आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए, और अहमदाबाद के सांसद पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर के सिवा कोई वहां बोलने वाला ही नहीं था। अकेले मावलंकर जी की आवाज संसद के अंदर घूमती थी क्योंकि वो निर्दलीय सांसद थे। निर्दल चुनकर गए थे गांधीनगर लोकसभा सीट से। ये सारे आर्टिकल जब लाए गए, विरोध करने वाला एक ही व्यक्ति था, और जो भाषण का अनुपात है ये मैंने संसद की लाइब्रेरी में पढ़ा है, 90% समय पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर का होता था और 10% के अंदर लेजिस्लेटर का भाषण, मंत्री का जवाब और स्पीकर साहब का लेइंग और के क्रॉस पर मतदान, ये सारा 10% में होता था, कोई बहस नहीं होती। मगर आज अकेले बोले हुए पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर के वो सारे भाषण मेरे जैसे नए विद्यार्थियों की विद्यार्थी के लिए लोकतंत्र बचाने का एक कैरिकुलम बनकर रह गए, अभ्यासक्रम बनकर रह गए और संसद की लाइब्रेरी में आज आवाज दबाने वाले थे, उनकी तो आवाज ही नहीं रही है क्योंकि वो बोलना उनको जरूरी ही नहीं लगा। मगर आवाज दबाने की प्रक्रिया के खिलाफ जो बोले थे उनकी आवाज आज भी एक लोकतंत्र की मसाल बनकर संसद की लाइब्रेरी के अंदर उपस्थित है। बहुत कम लोग बोल पाते थे, कभी कभार एक अकाली दल का नेता बोल दिया गया तो बाहर निकलते ही पकड़ दिया गया। सारे भाषण पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर ने किए थे, और जब जनता पार्टी की मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी, ये सारे नए संशोधनों को फिर से निकालने का काम जनता पार्टी की सरकार ने किया और लोकतंत्र की नींव को बहुत गहरा करने का काम किया। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से बहुत निर्बल कर दिया गया, उसको भी ताकत देने का काम जनता पार्टी की सरकार ने किया जिसमें जनसंघ शामिल था। और हमारे लोकतंत्र को अगर कोई तानाशाह फिर से भी आ जाता है तो हमारे लोकतंत्र पर प्रहार न कर सके, इस प्रकार का संविधान बनाने का काम जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, में आज भारतीय जनता पार्टी के भी सारे युवा कार्यकर्ता जो ये भाषण को सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, हम भी कोई ईश्वर नहीं है। ये निर्बलता क्यों आई, कोई एक व्यक्ति का तानाशाही विचार पूरी पार्टी को क्यों दरक कर गया, इतनी पुरानी पार्टी क्यों समाप्त हो गई? इसके 3 ही कारण थे, एक पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को समाप्त कर वंशवाद की स्थापना उन्होंने कर दी। और मैं आज गौरव के साथ कहना चाहता हूं मैं वो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं वो पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसका हर 3 साल बरोबर चुनाव होता है, और मेरे जैसा पोस्टर लगाने वाला संघीय हाईस्कूल के बूथ में पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और गरीब से गरीब घर में जन्म लेने वाला, चाय बीतने वाले के वहां जन्म लेने वाला कार्यकर्ता संघर्ष और निष्ठा के आधार पर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि मेरी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र बना हुआ। वंशवाद जिन पार्टियों ने स्वीकार कर लिया वो कभी न कभी लोकतंत्र को जब मजबूती देने का समय आएगा वो मजबूती नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी में ही उन्होंने लोकतंत्र ने रखा है, देश के लोकतंत्र को कैसे आधार है। और बहुत कम पार्टियां बची है जिन्होंने अपने यहां आंतरिक लोकतंत्र को बचाकर रखा। दूसरी कमजोरी उसी वक्त 61 के बाद ही प्लान की गई एक एपीसमेंट की पॉलिसी उत्तर प्रदेश से हेमवंती नंदन बहुगुणा ने शुरू किया और धीरे 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 पूरे देश पर एपीसमेंट की पॉलिसी ने नाकचूक की तरफ एक अपने विरोध कर। जब आप एक वर्ग विशेष का एपिसमेंट करते हो, तुष्टिकरण करते हो,
और बेसिक वोट के लिए आश्वस्त हो जाते हो, तब लोकतंत्र के अंदर चुनकर आने के लिए आपको भय कम हो जाता है और वहीं से आपातकाल के विचार की शुरुआत होती है। और तीसरा जातिवाद, ढेर सारी पार्टियां जाति की पार्टियां बनकर देश में रह गई, फैमिली की पार्टी बनकर रह गई, जाति की पार्टी बनकर रह गई। और समाजवादी आंदोलन जो एक जमाने के सिद्धांतों के आधार पर शुरू हुआ था, घटते 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 जाति का आंदोलन बना, जाति से घटकर कुंबे का आंदोलन सिमट कर आज रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक अपने पूरी यात्रा के अंदर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बहुत मजबूती से काम किया है। ना हमने कोई जाति की पार्टी बनने का पाप किया है, ना हमने कोई तुष्टीकरण करने का विचार किया, ना हम एक परिवार की पार्टी बने, ना वंशवादी पार्टी बने। हम कार्यकर्ताओं की एक पार्टी बने और इसी के कारण 10 कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ जनसंघ आज 11 करोड़ की सदस्यता के साथ देश का सबसे बड़ा संगठन बनकर दुनिया के सामने। दो सीटें जब हमारी आई, संसद में मखौल उड़ाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी फैमिली प्लानिंग में मानती, हम दो हमारे दो बाहर रह गए, दो अंदर आए। अटल जी अडवाणी जी के लिए तंज कसते थे, तंज कसने वाले 415 से 40 हो गए, दो से हम 320 बनकर आत्मीय बहुमत की सरकार। हम पर तंज कसे जाते थे कि म्युनिसिपालिटी भी जीत जाते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी तरोत के अंदर उनका सम्मान करने पहुंच जाते हैं। तरोत के अंदर हमारी म्युनिसिपालिटी आई थी, दीनदयाल जी म्युनिसिपालिटी के चुने हुए सदस्यों का सम्मान करने आए थे, राष्ट्रीय महासचिव। उस वक्त गुजरात समाचार और संदेश का एक हेडिंग था, आरोप कांग्रेस का था मगर छपा था। और आज उसी पार्टी में दुनिया में पूरे देश में 1700 से ज्यादा सबसे ज्यादा एमएलए किसी अगर एक पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा तहसील पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 19 सरकार है देश के, 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं। और देश के पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बनानी। ये देश भर के युवाओं के लिए 26 तारीख का दिन, इसके इतिहास में से सीखने का दिन है, हमें भी पार्टी के नाते सीखने का दिन है। हमारे पुरखों ने एक ऐसी पार्टी सौंपी जो कभी वंशवादी अपने परिवारों की पार्टी नहीं बनी, एक ऐसी पार्टी सौंपी जो हमेशा राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी, एक ऐसी पार्टी बनी जो जातिवाद के आधार पर नहीं चलती है, एक ऐसी पार्टी बनी जो तुष्टीकरण नहीं करती है। और यही हमारी यात्रा को आगे ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करना है और देश के लोकतंत्र को भी एक नकार। मित्रों, पार्टी का परिचय किससे होता है? पार्टी का परिचय होता है पार्टी की नीतियों से, पार्टी के आंदोलनों से, और पार्टी की सरकारें कैसे चलती है इससे होता है। जहां तक पार्टी की नीतियों का सवाल है, जनसंघ से लेकर आज तक एक भी नीति विषय प्रस्ताव को उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की भलाई की बात नहीं होगी, देश की भलाई की बात होगी। पार्टी के आंदोलनों को देख लीजिए, पहले हमने गौ हत्या पर प्रतिबंध का आंदोलन किया, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उसके बाद में कक्ष का सत्याग्रह, पहले कक्ष सत्याग्रह किया, गोवा सत्याग्रह किया, हैदराबाद सत्याग्रह किया, हमने राम जन्मभूमि की यात्रा निकाली, कश्मीर बचाओ यात्रा निकाली, अडवाणी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकाली। सारे के सारे आंदोलन किसी नेता के महिमा मंडन के लिए नहीं निकले, हम कभी अस्थि कलश लेकर नहीं निकले, हम निकले तो देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए लाखों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता। जिस पार्टी के कार्यक्रम
राष्ट्रवाद से प्रेरित हो, जिन पार्टी के नेताओं का जीवन निष्कलंक हो, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों से प्रेरित हो, हमारे पूरे नेताओं की सूची उठाकर देख लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, भाई महावीर, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाव ठाकरे, विजया राजे सिंधिया, कैलाशपति मिश्रा, जिसको उठाना है उसे उठाकर देख लीजिए। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण हम लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए समर्पित, और यही होता है देश के कल्याण करने वाली पार्टी के लक्षण। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें जो परंपरा मिली है, जो हमें हमारे पुरखों ने इस संस्कार दिए, उस संस्कार को हम आगे ले जाए, अगली पीढ़ी तक सौंप। यहां पर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं भी गुजरात का कार्यकर्ता हूं, बहुत सारे लोगों को नाम से जानता हूं, कभी इनके हाथ के नीचे मैंने काम भी किया, बहुत सारे ऐसे लोग। और जब मेरा भी दिन आएगा यहां बैठने का और नई पीढ़ी मन संभालेगी, तब अभी जो काम करे हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, इससे भी बेहतर पार्टी बनाकर, इससे भी लोकतंत्र में मजबूत आस्था वाली पार्टी बनाकर, इससे भी राष्ट्रवाद के लिए और समर्पित पार्टी बनाकर हम अगली पीढ़ी के हाथ में दे, ये जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के साथ। जो 26 जून का दिन है, देश के लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन जरूर है, मगर मैं नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब कार्यक्रम की रचना हो रही थी तभी कहा था इसको क्या मनाना है, ये लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। मैंने बोला सिर्फ काला अध्याय नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें से सीख लेने वाले नई पीढ़ी के लिए सीखने का भी दिन है, उसको इमरजेंसी का पुनस्मरण कराना बहुत जरूरी है। और विशेषकर मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि एक जमाना था जब आपके मुंह पर बड़े बड़े ताने लगा दिए गए, और जब किसी कांग्रेसी नेता आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, मुझे मालूम नहीं है देश की जनता कैसे लेती है, मगर मैं बहुत मन में हंसता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने का अधिकार कम से कम कांग्रेस पार्टी और श्रीमती गांधी के परिवारजनों को तो नहीं है, जिन्होंने 140,000 लोगों को 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया था, सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, आकाशवाणी सरकार वाणी बनकर रह गई थी, वो पार्टी को नहीं है। मित्रों, आज इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, इस सभी को मेरा विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सभी लोग अपने अपने यत्न से, अपने अपने प्रयत्न से ये पार्टी को इसी तरह से एक उज्जवल, जैसे हमारा बूथ है, ऐसे उज्जवल भविष्य के साथ हम आगे बढ़ाएं, और देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी की हमारी पहचान हम बनाए रखें। यही बात करके मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।